हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैस और आज पेन स्पिनिंग की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा चार्ज के बारे में। इस तरह से करते हैं चार्ज, जो एक फंडामेंटल ट्रिक भी है और इजी ट्रिक भी है, पर ये बिगिनर के लिए थोड़ा स्टार्ट में करेंगे तो मुश्किल हो सकता है, पर बहुत आसान सी ट्रिक है ये। और आप इसे किसी पेन से भी कर सकते हैं, जैसे इस पेन से किया है तो इस पेन से भी आप कर सकते हैं। बहुत आसान सी ट्रिक है ये। इस तरह से ऐसे आप इसे कंटिन्यूस भी कर सकते हैं। और आप भी ये सोच होंगे कि मैं हर बार फंडामेंटल ट्रिक बोलता हूँ, फंडामेंटल ट्रिक। तो मैं आपको बता दूँ फंडामेंटल ट्रिक क्या होता है। फंडामेंटल ट्रिक वो ट्रिक होती है जिसको हमें पेन स्पिनिंग की स्टार्टिंग में सीखना पड़ता है। जब हम पेन स्पिनिंग सीखते हैं तो सबसे पहले फंडामेंटल ट्रिक ही सीखते हैं, इसके बिना हम आगे की और कोई ट्रिक सीख नहीं पाएंगे। और अगर सीखते भी हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम आएंगी, जैसे चार्ज फंडामेंटल ट्रिक, जैसे फिंगर पास, सोनिक चार्ज और थंब अराउंड। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे चार्ज मतलब एक ऐसी ट्रिक है जिसमें आप अपनी दो फिंगर से आप इसे इस तरह से आप अपने पेन के अराउंड घुमाते हैं इस तरह से, और आप इसे अंगूठे के सहारे घुमा सकते हैं। तो मैं आपको अभी अंगूठे वाला तो सिखाऊंगा नहीं, अभी आपको दो उंगलियों में करने वाला सिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको इससे तो सिखाऊंगा इससे नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ये आप वैसे कोई बना सकता, बस मैंने करा के एक ड्राइंग शीट से उनको होल्ड करके मैंने ये बनाया रखा है इस तरह से फॉइल। तो ये आप वैसे भी बना सकते हैं, पर मैं आपको इसे किसी पेन से सिखाऊंगा इस तरह से करते हैं। और ये तो आप बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अपना पेन को इस तरह से रखें, राइटिंग पोजिशन में इस तरह से पेन रखें और इस तरह से ऐसा अपने हाथ को मोड़ लें। फिर जब आप अपने हाथ को मोड़ ऐसे इस तरह से रख लें इस तरह से, फिर जब आप अपने हाथ को मोड़ उसको सीधा कर लेना है इस तरह। इसे क्या इस तरह से आपको मोशन देना है ऐसे, इससे होगा क्या कि आपका पेन जो है वो इससे मूव करेगा। जब आप इस तरह से यूँ सीधा करेंगे तब आपकी सबसे पहले तो मिडिल फिंगर सीधी होगी, इस तरह से ऐसा मोशन आएगा इसमें इस तरह से। इसमें आपकी सबसे पहले मिडिल फिंगर ऊपर हुई, फिर नीचे, फिर ये इसके ऊपर नीचे। तो आपको इस तरह से यूँ इस तरह से करना है, ऐसे पकड़ना है इस तरह से, उसके बाद ऐसे यूँ घुमाने यूँ करके, फिर यूँ ऐसे करके आपको इस तरह से यूँ स्पिन करना है इस तरह से। और आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप पेन रखते हैं इस तरह से पेन रखना यूँ। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपके हाथ अपने हाथ मोड़ लेना इस तरह से। उसके बाद आप स्ट्रेट करके इस तरह से आप अपने पेन पर इस तरह से वाइप कर देना। वैसे सिखाता हूँ आपको मैं इस तरह से पेन रखा। इस तरह से जब हमने हाथ मोड़ा तो हमने अपना हाथ को पीछे करा इस तरह से करा, फिर यूँ किया। इससे क्या होता है आपको इस तरह से मोशन मिलता है इस तरह से। तो आप इस तरह से आप चार्ज कर सकते हैं। और रही बात इसे कंटिन्यू करने की, तो सबसे पहले आप दो बार इसे करें इस तरह से। जब इस तरह से पहले दो बार करें तब आप बाद में फिर उसके बाद इसको तीन चार बढ़ाते रहना फिर करेंगे इस तरह से। आपको अपनी मिडिल फिंगर से यूँ इस तरह से स्पिन करना है इस तरह से, तो आराम से हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जो चार्ट ट्यूटोरियल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल क्योंकि। तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी, या अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा, और शेयर भी करना है इस वीडियो को। या मैं फिर क्यों बोल रहा हूँ ये, कोई बहुत सारी वीडियोस में। तो मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।